सर, आज जो भंडार थाना परिसर में वृत्त की जो CLG बैठक रखी गई है, इसके पीछे क्या उद्देश्य? आने वाले समय पर, जैसा कि कल आलम सजदे का इनके जुलूस निकलेगा और 8 और 9 तारीख और 10 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार है, इसी के साथ जो शंकर सवारी है उसकी भी यात्राएं निकल रही है जगह जगह। ऐसे में सभी समुदायों को साथ लेकर के, और आज CLG मीटिंग यहाँ रखी गई थी, SDM साहब गंगधार, DSP साहब गंगधार और सभी वृत्त के SHOs यहाँ उपस्थित थे, तहसीलदार जी जो है डगोर गंगधार यहाँ उपस्थित थे और साथ में विद्युत विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी भी साथ में उपस्थित थे। उनकी जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं का तुरंत जो है निस्तारण करने का उनको आश्वासन दिया गया है और अभी सभी जो है सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उन रास्तों को, जो रूट उन्होंने चयनित किए हैं, उन रूट का निरीक्षण करेंगे। उसमें अगर कहीं भी इस तरह की कोई विद्युत लाइनें नीचे हो या और कोई पेड़ वगैरह इस तरह से बाधा बन रहे हो तो उनमें त्वरित कार्य करते हुए और ये जो आगामी त्यौहार है इनको सुचारू रूप से संपन्न कराने की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आप आम जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? आम जनता उसी प्रकार से त्यौहार अपने जो है मनाए जिस प्रकार से यहाँ झालावाड़ की संस्कृति रही है। सभी गंगा जमुना संस्कृति से एक दूसरे के समुदायों में जो त्यौहार है उनको मिलजुल कर मिलाए ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के त्यौहारों में और ज़्यादा हिस्सा ले सके और उनकी खुशियों का कारण बन सके। ठीक है।